हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल डीआईवाई स्टाइलर। सो आज हम इस ओल्ड कंगन को अपसाइकिल करके एक बहुत ही ब्यूटीफुल कंगन बनाने वाले हैं। तो चलिए हम लोग जल्दी से इसे अपसाइकिल करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एम सील ली हुई है, मैंने दोनों जो भी प्रोडक्ट होता है उसे मिला करके एक मिला लिया है। और अब हम मैं एम सील को अपने कंगन पर लगा के उस पर हम लोग लेस कवर करेंगे। ऐसे ही हमें पूरी लेस कवर करना है, पूरे कंगन में जितने भी पार्ट हैं। इसे लेस से कवर करने के बाद अब हम अपना एक स्क्वायर हमें कट कर लेना है पेपर में, उसके बाद हमें उसे एमसील से पूरा कवर कर देना है आगे और पीछे दोनों तरफ अच्छे से। आगे की तरफ हम इसे थोड़ा ज़्यादा उठा के रखेंगे, थोड़ा सा उभरा हुआ इसे कर्व शेप देंगे। इसे शेप देने के बाद अब हमने यहाँ पे हेड पिन लिया है, हेड पिन या फिर मैंने यहाँ पे पेपर पिन लिया हुआ है, उसमें मोती डाल के इसे हम लोग अपने इंसर्ट करेंगे स्क्वायर में। ऐसे हम लोग चारों साइड पे करेंगे। चारों साइड पे करने के बाद अब मैंने यहाँ पे बीच में एक स्टोन लगाया है, तो स्टोन को हम लोग ऐसे ही एमसील वाले पीस में अपने पुश कर देंगे। इसके बाद हम लोग इसमें कंगन पे अपने इसे एमसील लगाकर स्टिक करेंगे। इसे स्टिक करने के बाद अब हम अपना जो हमारा सर्कल है उसमें हम लोग एक अलग स्टोन चिपकाएंगे। मैंने यहाँ पे अलग अलग तरीके के स्टोन यूज़ किए हैं, आप अपने अकॉर्डिंग आपको जो भी पसंद हो यूज़ कर सकते हैं। तो हम इससे सारे अब फैब्रिक पेंट लिया हुआ है मैंने यहाँ पे गोल्डन, और हम अपने कंगन पे जो भी वाइट पार्ट है एमसील वाला उसे गोल्डन पेंट कर देंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे नेल पेंट ली हुई है रेड मेटालिक, इससे हम लोग डिटेलिंग करेंगे अपने कंगन में। इसे करने के बाद अब हम अपने स्क्वायर वाले पार्ट के चारों तरफ मोती लगाएंगे और स्टोन्स लगाएंगे। तो स्टोन मैंने यहाँ पे ड्रॉप शेप लिया हुआ है और मैंने यहाँ पे क्रिस्टल, स्मॉल गोल्डन क्रिस्टल्स लिए हुए हैं स्टोन्स में। इसे आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी डिज़ाइन में या किसी भी तरीके से स्टिक कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे धागा, सुई धागा लिया हुआ है और हम इस धागे में अपनी वाइट पर्ल्स इंसर्ट करेंगे स्मॉल साइज की, और चारों तरफ से इसे घुमा घुमा के अपने स्क्वायर वाले पार्ट में लगाएंगे। इसे करने के बाद हम सुई धागे से गार्ड मार के इसे सिक्योर कर देंगे, और उसके बाद हम अपनी बड़ी बीट्स जो हमने यहाँ पे हेड पिन लगाई हुई थी उसमें हम चारों तरफ डाल देंगे। सारे पिन्स में ग्लू लगा के फिर हम अपनी पर्ल को उसमें इंसर्ट करेंगे। ऐसे ही हम अपने चारों स्क्वायर्स में कर लेंगे। अब अपनी साइड्स को कवर करने के लिए मैं यहाँ पे गोल्डन मोती साइड्स में लगा रही हूँ। जैसे हमने वाइट स्टिच की हुई थी वैसे ही मैं यहाँ पे गोल्डन मोती भी साइड से लेस में स्टिच कर रही हूँ।
से चारों तरफ से हमें मोती लगाने के बाद हमारा कंगन कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो और मेरा आइडिया पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अपने कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये आइडिया कैसा लगा।